नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। मैं आपके सामने एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ हाजिर हूँ। तो मैं बता दूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे काम करता है, क्यों हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। दोस्तों, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टेलर 100। ये स्टेलर 100 क्या है? ये एक हाई एंड बाईपैप इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट की क्या खासियत होती है? ये इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल बाईपैप के रूप में यूज़ किया जाता है। ये जो पेशेंट COPD पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो सांस नहीं ले पाते पेशेंट, ठीक है, उनको रेस्पिरेटरी में सपोर्ट करता है इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मोड्स, एस मोड रहता है, ST मोड रहता है, CPAP मोड रहता है, PAC मोड रहता है। ये मोड्स स्टेलर 100 के अंदर मिलते हैं। और जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए स्टेलर 100 लिखा हुआ है। इसके पे एक स्टेलर 150 आता है। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंस रहता है? इसमें इतना सा डिफरेंस रहता है कि इंस्ट्रूमेंट में IBAPS मोड रहता है। IBAPS मोड क्या है? वो इंटेलिजेंट वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट। उस इंस्ट्रूमेंट में आपको ये सारा मोड मिलता है, और इस वाले इंस्ट्रूमेंट में आपको बस ये सारे मोड मिलेंगे, ST, CPAP, PAC एंड हाँ, इतने सारे मोड्स मिल देंगे आपको, ठीक है। और मैं बता दूँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऐसे पोर्टेबल वाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। और इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट आपको पड़ती है, माता भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसी इंस्ट्रूमेंट में आपको लैब डाटा शो होता है, ठीक है, 2 आवर्स का बैटरी बैकअप इंस्ट्रूमेंट का। और यहाँ से इसकी सेटिंग होती है, ठीक है, ये जो ये स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, इससे हम इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसमें लाइव डाटा शो होता है, ये जो इस तरह के लंग्स वगैरह शो होते हैं, SpO2 सब कुछ में शो होता है, ठीक है। इसमें इसके अंदर जो ऑप्शन चाहिए रहती हैं, ये SpO2 प्रोब हम इसमें ऑप्शन रहती है, आप लग चाहें तो लगा सकते हैं। और इसमें एक ये जो FiO2 सेल भी ऑप्शन रहता है, ये डाटा लोड पेशेंट का डाटा लोड करने के लिए वाला पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अलार्म के लिए यूज़ होता है, ये भी डाटा केबल की तरह यूज होता है। और बाकी इसमें इधर ये जो है, ये हमारे यहाँ पे पावर अडैप्टर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और ये जो है, ये ऑक्सीजन की पाइप इसमें लगी हुई है। इसमें और बाईपैप में अंतर इतना रहता है इंस्ट्रूमेंट में, बाईपैप में क्या होता है, मतलब हम ऑक्सीजन मास्क के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें ऑक्सीजन इस वाले पॉइंट के थ्रू ले सकते हैं। इसमें देखिए, ये जो है ना, यहाँ दबा के निकाला जाता है, इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे इसमें ये जो है ना, ये ऑक्सीजन की पाइप रहती है, और हम इसे मतलब उसमें इससे फिट कर देते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये फिल्टर्स रहते हैं, यहाँ पर ये सारे फिल्टर्स रहते हैं, यहाँ से निकाला जाता है। और बाकी इंस्ट्रूमेंट इसमें सारे अलार्म्स वगैरह सब कुछ होते हैं, आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती इंस्ट्रूमेंट में। आपको ये इंस्ट्रूमेंट वेंटिलेटर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसे एज ए इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई पेशेंट जो ट्रकोस्टमी हमने कर रखा है किसी पेशेंट को, उस पेशेंट को भी हम ये इंस्ट्रूमेंट इंक्यूबेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बाईपैप से ऊपर है, बट सेम वेंटिलेटर से नीचे है। वेंटिलेटर में क्या होता है, वेंटिलेटर प्रेशर वॉल्यूम सारे मोड्स रहते हैं, बट इसमें आपको ओनली बाईपैप्स के ही मोड मिलते हैं, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का प्रेशर जो होता है आप 30 लीटर तक कर सकते हैं, ठीक है, और 30 लीटर तक ड्राइड ऑक्सीजन हम लोग इसमें दे सकते हैं। ऑलमोस्ट जितनी अच्छे प्लेसेस हैं इंडिया में, जितनी भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, सब में इंस्ट्रूमेंट का इंस्टॉलेशन है। और मैं सनय ग्रुप से हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर आप इसका परचेज करना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट को, बेटर प्राइस है मार्केट में, सबसे बेटर प्राइस हम लोग देते हैं मार्केट में, अप्रॉक्स 250 प्लस टैक्स की आपको इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट पड़ती है। और आप नया इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और थैंक यू, बाय।